भैया ऐसे नो, मैंने आपको बताया था कि पड़ोस में मेरे फ्रेंड ही शिफ्ट हुए हैं, तो उनके घर में गैस पाइपलाइन लग रही थी और ये भैया ऊपर से आए हैं। भैया हैट्स ऑफ यार, हिम्मत वाला काम करते हो, आई लाइक इट। भैया आजादी सबको पसंद है, इसलिए मेरे फ्रेंड इनको ऐसे खुला छोड़ देते हैं और कुछ ही देर में अपने आप ही वापस पिंजरे में आ जाते हैं। I like it. What's up, babies? देखिए भैया, ऑनलाइन शॉपिंग करके एक रिलीफ मिलता है कि कुछ ना कुछ नया आया है, तो मैंने यही मंगवा लिया था। मंगवाना तो था कुछ नया, तो ये मंगवाया है मैंने COB रिचार्जेबल कीचेन लाइट। सा लग रहा था, देखते इसमें क्या है। ये ओपनर है, इसे बोतल ओपनर, और ये लाइट है, और अच्छी लाइट है, इसे मैग्नेट दिया पीछे, इसे किसी भी चिपका सकते हैं आप। शायद इसकी चार्जिंग नहीं है, इसको यहाँ से ऑन करते हैं। ओह भाई साहब, क्या लाइट है, दिस इज सो कूल मैन, इसे क्या लाइट है, नहीं कूल मैन। भाई जब से मेरे डेंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक ब्रश यूज करने से मना किया है ना, तब से मेरे ये ब्रश और यूजफुल हो गया स्नीकर्स क्लीन करने के लिए। फाइनली अब जो भी हुए यही हुए हैं, नए लेने पड़ेंगे वाइट यार। थक गया आज भी, बचपन मेरे अंदर से गया ही नहीं है। हाँ जी, तो अब निकल चुके हैं एक नए सफर पे, बस भी यही पर। भाई अभी मैं कैब में था, तो हमारी कैब के आगे डिफेंडर गाड़ी चल रही थी, तो मैंने भैया को प्राइस बताया, तो भैया हक्का बक्का रह गए, दो बार तो मुड़ के देख रहे हैं भैया ने। क्या बोलना चाहोगे भैया? सर पता नहीं इतना पैसा कहाँ से ले आते हैं, कैसे कमा लेते हैं, हमें तो ये समझ में नहीं आता। ये कमाए इनके पीछे से ही छोड़ के गए कोई। अब जो भी है भैया, है तो है, अब किसी के पास गाड़ी है। अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है। हाँ, तो देख के खुश हो जाते हैं। हाँ, होना ही चाहिए, दूसरों की खुशियों में हमेशा खुश रहे। हमें तो रेट भी नहीं पता था सर, आप ही बता दिया। भैया को मैंने प्राइस बताया, भैया हक्का बक्का रह गए भाई। चलो ठीक है, सही है यार, सब अपनी किस्मत का खाते हैं भाई। सही बात है, इसलिए कभी किसी से चिढ़े नहीं, जले नहीं, जले नहीं। दो बंदों के साथ मेरा प्लान था एयरपोर्ट जाने का, सडनली मुझे याद आया कि मुझे एक बंदे से मिलना है, क्योंकि मैं दो चार दिन दिल्ली में हूँगा नहीं, और उस बंदे से मिलना मुझे बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं अकेले निकल गया पहले ही। वैसे मैंने भैया को अभी बोला कि मुझे भैया बहुत भूख लग रही है,
ये मैंने हमेशा ऐसे नोटिस किया, जब आप घर पे होते हैं ना तो खाने के ऑप्शंस होते हैं तो उस टाइम भूख नहीं लगती है, जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं तो इतनी भूख लगती है ना, अब मॉर्निंग में कहां क्या मिले यार, पोहा मिल जाए, इडली मिल जाए, हाय 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 मजा आ जाए। भाई ऐसे ही होता है, जब आप सोचते हैं ना कि मैं लेट हो जाऊंगा, टाइम से निकलता हूँ, तो आप जल्दी पहुँच जाते हैं, जैसे कि मेरे साथ हुआ। मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा था, बीच में एक बंदे से मिलना था, मैं लगेगा मुझे एक आध घंटा लग जाएगा, दो मिनट के अंदर फ्री, और मैं टाइम से पहले ही सिक्योरिटी चेक सब कुछ। क्या करें, टाइम से पहले पहुँच गए, बहुत पहले। भाई 3 घंटे पहले पहुंचा था तब भी लेट। फाइनल कॉल। गर्व हो गया रे, मैं बना देता हूँ। नहीं नहीं ऐसे ही आदत है। मैंने आज तक ना मैगजीन एक बार भी नहीं पढ़ी है, बचपन से लेकर आज तक, सिर्फ पन्ने पर। आज वही करता हूँ। मैं बेल्ट पे खड़ा हूँ, सबसे पहले आया, सबसे लास्ट सीट मिली, अभी तक मेरा लगेज नहीं आया है। फाइनली आ गया बैग। चले हो गया। डैम आप ये